हेलो, हेलो निधि, नमस्ते भाई कैसा साहब, है? कैसे हैं? अभी निधि ने बताया कि आप मेरी तारीफ कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, अच्छा लगा है मतलब कि आपने तारीफ। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। जैसा कि आप सबको पता है, विकास शर्मा जो कि रिपब्लिक भारत के स्टार एंकर थे, प्राइम टाइम में आते थे 9 से 10 के बीच में, वो इस दुनिया में नहीं है। और दोस्तों, अभी तक उन्हें इंसाफ भी नहीं मिला है, ना कोई इस मामले में आगे आया है। बस उनकी बहन ही हैं जो आगे आके गुहार कर रही हैं, कभी सीएम को टैग करके, सीएम योगी को, कभी पीएम मोदी को, कभी डीएम कानपुर को, तो कभी यूपी पुलिस को। लेकिन अभी तक इस मुद्दे पे कुछ नहीं हुआ है, ना जांच शुरू हुई है। अब ये सामने आ रहा है रिपब्लिक भारत के इनके साथी जो एंकर थे या साथ में जो काम करते थे, वो लोग क्यों अब तक चुप हैं? क्यों नहीं इस मुद्दे को आगे बढ़ाया गया अब तक? आपको बता दें, 4 फरवरी को विकास शर्मा इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन उसके बाद बस एक बार देखा गया था कि अर्णब गोस्वामी को देखा था कि इस मुद्दे पे बोले थे, और लोग भी बोले थे कि काफ़ी टैलेंटेड था विकास शर्मा, और काफ़ी ऐसा लगता था कि हिंदी जगत में ये एक तूफान लाएगा, एक हीरो बन के आएगा हिंदी पत्रकारिता में। लेकिन दोस्तों, वो भी हुआ, तूफान बन के आए। 9 बजे का जो प्राइम टाइम होता था, हम सब ने देखा था किस तरीके से उनकी एंकरिंग रहती थी, कैसे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के वो इंसाफ दिलाने में मुहिम एक जारी की थी। उनका एक एक डायलॉग अभी तक सबकी जुबान में है, चाहे मट्ठा पुलिस वाला डायलॉग हो या कोई भी हो। जिस तरीके से वो एंकरिंग करते थे, ऐसा लगता था ये बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है, और ये कुछ ना कुछ अब होने वाला है, कुछ ना कुछ इंसाफ तो मिलने वाला है, ऐसा अंदर से महसूस होता था। इतनी अच्छी पत्रकारिता देखने को मिलती थी। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों? अब जो इंसाफ के लिए लड़ रहा था, उसी को इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि 4 फरवरी को कैलाश हॉस्पिटल जो कि नोएडा में है, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। कोरोना के कारण उनकी मृत्यु बताई गई थी, लेकिन कोरोना एक बार सही हुआ, फिर बाद में बताया गया कि दोबारा से कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो ऑर्गेन फेलियर हो गया था। तो इस पर भी बातचीत होने पर उनके एक फ्रेंड जो हैं उपेंद्र जी, उन्होंने कुछ पोस्ट के जरिए बताया था, ऑर्गन फेलियर एकदम से नहीं होता है। उन्होंने बताया था बहुत टाइम से इनको जो ट्रॉमा चल रहा था, इनकी बीवी से जो मतभेद थे, और जो इनकी बीवी ने एलिगेशन लगाए थे, फेक एलिगेशन, आप लोगों ने देखा ये किस तरीके के एलिगेशन थे कि वो अपनी 4 साल की बच्ची के साथ बदतमीजी करते थे। और दूसरा एलिगेशन ये लगा दिया था उन्होंने कि जो ससुर हैं यानी विकास शर्मा के पिताजी, वो उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी करते थे ग्रेटर नोएडा में। और आपको बता दें कि इसका कोई प्रूफ नहीं निकला था, क्योंकि ग्रेटर नोएडा कभी वो आए ही नहीं। तो दोस्तों, इस पे अब ये हो रहा है कि उनकी जो सिस्टर हैं वो लगातार गुहार कर रही हैं, लगातार वीडियो भी शेयर कर रही हैं उनकी, और उनके दर्द को बयां कर रही हैं। तो एक बार हम भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के ट्रॉमा में थे, क्योंकि जानना ज़रूरी है। अगर आप दर्द ही नहीं समझोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि विकास शर्मा किस दौर से गुजर रहे थे। हो सकता है कल आप या हम इस दौर में से गुजरें। तो एक बार वो वीडियो हम सुनते हैं कि क्या विकास शर्मा ने इसमें आपसे बातचीत की थी, क्योंकि इन्होंने बोला है उस वीडियो में कि आप लोग दोस्त हैं मेरे, मतलब हम ऑडियंस, आप और हम उनके दोस्त हैं, तो उनसे वो बात कर रहे थे। तो एक बार वो वीडियो हम दोबारा से देख लेते। अभी मैं ऑफिस से घर पहुंचा, रात हो गई है, खाना खाने का भूख तो लगी है बट तबीयत अच्छी नहीं है, बना सकता नहीं, हिम्मत नहीं हो रही है, कपड़े उतारे हैं। सुबह मैंने रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, एक रोटी बच गई थी ये देखिए, बट ये बहुत कड़ी हो गई है, खुद बनाई है मैंने, देख खाऊंगा। आपने देखा कि उन्होंने क्या बताया कि ऑफिस से आए हैं और रोटी जो है, देखा आपने किस तरीके की वो रोटी खा रहे हैं, और रोटी बिल्कुल
कड़कड़ी है, आप देख सकते हैं, सुबह की रोटी शाम को खा रहा है इंसान, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप समझ रहे होंगे किस दौर से वो गुजर रहे हैं। चाहे तो कहीं ऑर्डर करके वो खा सकते थे अगर बात की जाए तो इस बारे में, लेकिन इंसान ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहा है कि उसे किसी चीज़ का उस समय होश नहीं है और वो इस गंदे डिप्रेशन में है, तो वो एक बासी खाना खाने को भी आमादा हो गया है और उनको शायद नहीं समझ आ रहा, और वो देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा दर्द में वो दिखाई दे रहे हैं। एक बार और वीडियो प्ले कर लेते हैं, आगे विकास शर्मा ने क्या बात की है आप लोगों से। घर में कोई और है नहीं, फीवर है, तो ये देखिए मेरी रोटी और मेरी सब्जी। अच्छा है, कड़ी रोटी है बट अच्छी लग रही है, भूख लगी है, बनाने की इच्छा हो नहीं रही है। थोड़ा सा खरबूजा रखा है, आधा होगा ये देखिए उसमें, इसको खाऊंगा, सो जाऊंगा, फिर लगेगी भूख ज़्यादा। तो संतरे एक दो रखे हैं, देखूंगा सही हैं कि नहीं। आपने देखा कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं कि घर में कोई नहीं है और फीवर है। दोस्तों उस टाइम की वीडियो है जब उनको करोना भी था, और करोना उनका ठीक होने के बाद दोबारा कुछ इन्फेक्शन हुआ था जिस कारण बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कारण बहुत हैं, कारण बहुत सारे थे कि किस वजह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन अभी आपने देखा कि उनको वो बात कर रहे हैं कि अभी खरबूजा खा लूँगा, और संतरे भी कह रहे हैं पता नहीं कब के रखे हैं, चेक करूँगा कि सही है कि नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, किस तरीके के दर्द से गुजर रहे हैं। या आपने सोचा है कभी जो आप 9 बजे के शो में एक शो देखते हैं प्राइम टाइम का रिपब्लिक भारत पे, तो उसका स्टार एंकर ऐसी हालत में भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अलग होती है, लेकिन इनकी तो बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि कभी इन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। केवल अपने एक फ्रेंड थे उपेंद्र जी, उनको इन्होंने सारी बातें शेयर की थी, जो भी उन्होंने भी बाद में शेयर की जब इनकी बहन आगे आई, जब इंसाफ के लिए आगे आई। आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत के जो इनके साथी जो एंकर हैं, चाहे ज्योत्सना हो चाहे सुहेल जी हो, उनकी बात करें तो अभी तक वो खुल के नहीं आए हैं। और पता चला है कि इनमें से कुछ लोग हैं जिनको शायद इस बारे में पता भी था, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए। दोस्तों ऐसी भी क्या प्रोफेशनल लाइफ की आप कुछ भी ना बताएं और इतने बड़े स्टार एंकर को यूं ही जाने दें, और उनको एटलीस्ट उनको इंसाफ तो दिलाना चाहिए था ना। लेकिन अभी भी उनकी बहन ही लगी हुई हैं, या तो वो योगी जी को टैग करके एक चिट्ठी टाइप लिख रही हैं ट्विटर पर, ट्वीट कर रही हैं कि मेरे भाई को जो है इंसाफ मिलना चाहिए, और उसके गुनाहगारों को, उसकी बीवी और जो भी गुनाहगार हैं उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए, और जो भी झूठे मुकदमे चल रहे हैं उन पे वो ख़त्म होने चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो बच्चे थे, बीवी उनकी, उनसे भी नहीं मिलने देती थी। लास्ट तक वो कहते रह गए कि वीडियो कॉल पर मुझे बात करा दो, लेकिन उनकी बीबी ने उनके बच्चों की एक झलक भी नहीं दिखाई उनको इस दुनिया से छोड़ने से पहले। यही देखा गया है कि जिसने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने सुशांत सिंह के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, उसके साथ खुद ही अब इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोग इसमें चुप हैं, चाहे वो अर्णब गोस्वामी हो, चाहे उनके साथी एंकर हों, या साथ में काम करने वाले जितने भी लोग हों, अब तक क्यों नहीं इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया है, क्यों नहीं उनके इंसाफ के लिए एक छोटी सी मुहिम चलाई क्यों नहीं गई? क्योंकि सुशांत सिंह के इतने बड़े केस में जब आप आगे आ सकते हैं, ये तो आपके लिए ज़्यादा परेशानी का विषय नहीं होना चाहिए, कम से कम एक आवाज़ तो उठाई जानी चाहिए थी। लेकिन अब तक कुछ सामने नहीं आया है। जो उनके सिस्टर हैं वो ही अभी देखी जा रही हैं, हो सकता है कुछ टाइम बाद वो भी ना दिखें हमें सोशल मीडिया पे। अभी तक के ट्वीट के थ्रू ही देखा जा रहा है कि गुहार कर रही हैं एक तरीके से। और उनकी लाइफ में भी दोस्तों बता दें कुछ खास अच्छी नहीं है उनकी लाइफ। विकास शर्मा ने इसके बारे में जिक्र किया था अपने फ्रेंड उपेंद्र को, जैसा कि उनकी पोस्ट में दिखाई दिया था कि उन्होंने उनको अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपनी बहन के बारे में सोचना है, कि सबकी लाइफ उथल पुथल हो रखी है।
लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ, विकास शर्मा खुद ही नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है, जस्टिस फॉर विकास शर्मा, जिससे कि आने वाले टाइम में कुछ ना हो तो कम से कम जो व्यक्ति चले गया है उसको इंसाफ तो मिले, और जिन्होंने ये किया है, जिनकी वजह से वो ट्रॉमा में थे, डिप्रेशन में थे, ऑर्गन फेलियर हुआ था क्योंकि उनका खाना पीना बहुत टाइम से ठीक नहीं चल रहा था, एक डिप्रेशन के शिकार थे, और डिप्रेशन में इंसान होता है तो आप सबको पता है कि सारी चीज़ें छूटने लगती हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान उठ के खड़ा होकर आपको दिखाई देता था 9 बजे के शो में, प्राइम टाइम में, और एक नए जोश के साथ हर एक दिन। और दोस्तों अब यही है इस मुद्दे पे कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि विकास शर्मा को इंसाफ मिले। और अब हम इस मुहिम में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कोई भी अपडेट हमें मिलेगी, हमने उनके सिस्टर से भी बात करने की कोशिश की है ट्विटर के थ्रू या ईमेल के थ्रू, जो भी हमें संभव कोशिश लग रही है, फ़िलहाल उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, उनसे कॉन्टैक्ट होगा तो कुछ हो सकता है, कुछ नई चीज़ें सामने आएँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस मुद्दे पे हमें कोई अपडेट मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, और विकास शर्मा को अब इंसाफ दिला के ही रहेंगे। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक और नई सच्चाई की खोज के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सत्य में जयते।